का लेकर आ रहा थी, जिसके उसमें सारे मतलब जितनी भी डिलीवरी थी इंडिया की सारी कला नोट जा करती तो ये बुआ डॉक्टर ने अपना मदीना मार दिया ऐसा में मुझे पता भी ना था मदीना कोई सरकारी अस्पताल है कभी मैं कभी इतना बढ़िया है ना जी मतलब साफ सफाई भी है तो इतनी सी बात क्या जाने की तबीयत करती है ना तो इतनी दूर हुआ बात है क्यों धक्के खाए खाऊ कई रात एक चीज और है मतलब आपकी अगर मान ले कोई भी अगर नॉर्मलिटी आ जाए है कि नॉर्मल डिलीवरी होते टाइम भी किस टाइम अब नॉर्मल हो जाए उस चीज़ का तो कोई कुछ नहीं कह सकता ठीक है लेकिन मतलब वह चीज़ भी आप नजरती होगा ना मतलब पहला ही बता देंगे अगर मान ले उतने टाइम अगर कोई दिक्कत आएगी है तो अपना स्टाफ इतना बढ़िया है मान ले पी जी आई में जी एस प्राइवेट अगर कितने भी जाओगे तो वो साथ जाओगे अगर उस टाइम पर चलो फिर लास्ट डिसीजन तो देखो घर के आए का है क्योंकि भी मेरी देखो वो मेरा के चीज है मैं नुआ क्या है बोल क्या आपने पैसा अपना लेना देना अपना सेफ चीज ही है हम देखो ये तो घर के पैसा ज्यादा एक सेफ्टी मैटर करें जान 9 महीने कोई इंतजार कर ले सही बात है देखो एक चीज बताओ इसके पापा तो खास करके इस चीज ने कतिनो नेगलेक्ट कर दिया करें क्या तेरा काम यू ना है तेरा जो काम है तो वो करा के काम हमारा है वह चीज़ है परिवार के मतलब हमने परिवार के बारे में सोचना हुआ अगर परिवार हमारे बारे में सोच रहा है या तो मतलब एक दूसरे तक इसके टाइम पर मैं ससुर ने बताई थी कलानौर जाओ तो इसके पापा ने साफ मना कर दी कलानौर भी दोनों थी उस टाइम पर मतलब डॉक्टर सुशीला मलिक भी थी इमेज बन रही है क्योंकि देखो आप पीजीआई चले जाओ सिविल चले जाओ आपने देखो देखो एक चीज एक चीज है हार्श ट्रीटमेंट नहीं एक चीज है मतलब आपने पीजीआई का लगा लो आप मान ले पीजीआई के आप कह रहे हो पीजीआई में पता नहीं पूरे हरियाणा के कहां कहां के रेफर हुए और के सामने है वो तो बात आपकी ठीक है लेकिन वो मुंह लगा रहे हो कि एक तो है जिसमें एक नॉर्मल अच्छे तरीके से नहीं कर एक तो नॉर्मल है जिससे एक चीज बताओ मान ले एक चीज है हम कह बनते हैं आप तो चार आ रहे हैं या नम दीदी होगी वो आपकी आशा होगी माशा फैसिलिटेटर होगी ठीक है तो बहुत साल लफंडर अरे अच्छा अच्छा लग रहा है हाँ। काका लेके आए हैं हाँ। अच्छा बहुत बहुत टेस्टी लग गया आपको ना। अच्छा मम्मा को भी नहीं खिलाया भाई आपने तो छोटा छोटा भी अरे आए मैं बच्चा गाइस ये देखो कल्याण वालों की रिश्वत देखो देनी वहां से रिंग पसंद करी होगी उन्होंने चार लड्डू दे दिए उठा के और पैकिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को इसकी इसके बाहर ये डब्बा था पहन के देख ली हाँ सोनिया फिर इनमें तेरी टैनिंग कटे दिखेगी पहन के तो देखे एक बार पापू यहाँ पे ध्यान ना जाले हाँ सही है डर जाए माँ तो भी एक नंबर का है जमा गजब क्या कहा आया एक प्लाजो है अरे इसका दुपट्टा प्यारा है कति कति गर्लिश लुक में है गर्लिश लुक में के थारा हल्का बारे के लाग रहा है नु बता दे बहुत बढ़िया छोरा भाई बस देख
आए मेरे चूहे के डर है, पापा ने कटवा दिए। खोल दूं पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न है। अरे डट जा डट जा, नैनू के पापा उसकी कटिंग करवाए हैं। हमारा सबसे बड़ी टेंशन ये, सब तैयार हो जाएंगे। मेरी बेटी देखियो, दिन बाल हो गया ऐसी रहेगी। ओले मेले बच्चे ने तो पहन लिए भाई, कितना कितना मन तो ईशा आ जाएगी ना, बॉयज लुक में ड्रेस आ जा। तो भी मेरी ननद कर रही है देसी स्टाइल का पेडिक्योर। और अपना ये लगा लो जो देसी तरीके होते हैं। वैसे तो इसके पैर साफ सुथरे हैं, लेकिन ना इसको थोड़े चोचले से आ रहे हैं। नहीं मैं करूंगी, पार्लर वाली ने रेट ज्यादा बता दिए तो बोली नहीं मैं घर पे करूंगी। तो हम अपना ना देसी जुगाड़ बिड़ा बिड़ा के पेडिक्योर मैनिक्योर कर रहे हैं। और इसकी तबीयत आज हो गई थी खराब, नहीं है रोज तक जाके ही। क्या बात हो रही है नैनू बेटा, क्या बात हो रही है बताओ, या फिर खाम खाई आपको रोई मोई करनी आ गई? कौन भरता है ऐसे चूंटी? पापा। तो यूं लगा लो गाइस, का टाइम हो गया 11:30 बजे। और अभी मेरी ननद आज अपनी तैयारियां घर रह के ही करेगी, क्योंकि इसकी तबीयत हो रही है थोड़ी सी खराब। तो शॉपिंग वॉपिंग ये लगा लो, जो चुटमुट रहती है वो इसकी एक फ्रेंड है वो कर देगी। और इसको मेहंदी भी लगवानी है, फेशियल भी करवाना है, तो ये सारे काम के लिए आज एक दिन का तो रेस्ट करना पड़ेगा। और आपने देख ही लिया होगा, नवी के पापा सवेरे आ गए थे और नहा धो रहे हैं, अब खाना खाएंगे, क्योंकि जो तैयारी वारी है वो कर रहे हैं, जो अपना हलवाई वगैरह की ये सारे जो बाहर के अरेंजमेंट्स होते हैं वो संभाल रहे हैं। तनखा आ गई। सताईस अट्ठाईस। हाँ रुपया नहीं, गिनती ना भूल जा, बावली माया है। नंगू पंगू चप्पल निकाल बता, तेरा पापा नु गदरा 5 इंच का पांच बता, 5 इंच का पांच होरी का पांच साढ़े पांच छह की देख ली। एक मिनट रुक जा, रुक के चांदे। हाँ चाची, हाँ चाची, एक मिनट रुके, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट बेटा माफ लेंगे, फिर आपके सैंडल लाऊंगा मैं, माफ लेंगे औलाद। किसा रिजल्ट आया है? टैनिंग हट गई। चप्पल निकाल थोड़ी सी पीछे, देख देख लाइट हो गया काफी हद तक, है ना, इस तरफ से भी। और हाथ फिर भी कम कर गए। ये तो ठीक है, चिकना हाथ लगा ले बिन का। तो भी नैनू और मम्मा आ गए हैं ऊपर, अपनी शोई मोई करवा दी है नैनू की, और मम्मा भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है। अमन गया है कल के प्रोग्राम के लिए, हमने कपड़े उपड़े लेने मार्केट में कलानोर, तो उसको पता नहीं क्या पसंद आएगा क्या नहीं, वो आके आ जाएगा तब मैं दिखाऊंगी कि भी क्या लेके आया है। और ननद मेरी गई है पार्लर पे फेशियल वगैरह करवाने। तो इसी के साथ मैं करती हूँ मेरी इस व्लॉग का और प्यारी सी वीडियो का एंड। और नैनू आज पूरी खुश हो रही है, उसके पापा आ गए। देखो आप यूँ सोच रहे हो कि भाई मेरे को पता था, मेरे को नहीं पता था वो आने वाला है। हाँ, क्योंकि इन सारों को पता था, बस मेरे को था। मैं सवेरे ना अपना किचन में बर्तन की इसरी, जब ये सारे ना अपने पापा को लेने गए हुए थे कलानोर रेलवे स्टेशन। क्या क्या दूध? चलो दादी पास चलेंगे फिर पियेंगे। बाय गाइस, नवी को भूख लगी, मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।